दिखे मेरे नए से भारत का चेहरा। धड़क धड़क कर हर दिल बोले मेरा बदले देश ये चाहत थी। धड़कन धड़कन की ताल मिली तो नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहाँ महानगर पालिका के तरफ से हजारों लोगों के सानिध्य में उसी बीच को साफ सफाई करने का अभियान शुरू हुआ है। उपस्थित हैं शहर के आयुक्त, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस विषय पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार से माहौल है वो निश्चित रूप से ये बता रहा है कि वसई विरार को साफ करने की मुहिम की दृढ़ता और संकल्पता बहुत ही प्रचंडता पूर्वक अब महानगर पालिका के आयुक्त के नेतृत्व में ले जाया जा रहा है। आयुक्त जी, किस तरह से माहौल था? हालांकि बहुत अच्छा, और विद्यार्थियों ने खासकर स्थानीय संगठनों ने बहुत सहयोग किया, क्या कहना है आपका इस पूरे स्वच्छ अमृत महोत्सव? इस उपक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक इन 15 दिनों में स्वच्छ अमृत महोत्सव मनाने का प्रावधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने रखा है। अपने देश के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर ने 17 सितंबर को इस स्वच्छ अमृत महोत्सव का उद्घाटन भी किया है, और इस पंद्रहवाड़े में बीच रहेंगे, पर्यटन स्थल रहेंगे या अन्य जगह, वहाँ पे स्वच्छता की मुहिम युवक युवतियाँ नागरिक एनजीओस इन सब के मदद कार्य से करने का हम वसई विरार महानगर पालिका ने तय किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी स्कूल कॉलेज, उनके प्रिंसिपल, युवक युवतियाँ और स्कूल के कॉलेज के बच्चों को, लड़कियों को हमने आह्वान किया था कि आज हम सुरुचि बीच क्लीनिंग करने की मुहिम शुरू करने वाले हैं, उस मुहिम के लिए आप सभी ने इसमें सहभाग लेना चाहिए। तो बड़े नंबर्स में यहाँ पे स्कूल के कॉलेज के विद्यार्थी विद्यार्थिनी या लड़के लड़कियाँ और सब नागरिक लोग जनप्रतिनिधि सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे सभी कार्यालय प्रमुख हैं, स्टाफ है, सभी लोग, सभी कर्मचारी दल भी यहाँ पे इस मुहिम में शामिल हुए। तमाम बार ऐसा होता है कि ऐसी मुहिम चलाने के बाद में जो नतीजा है उस पर लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता, तो उसका परिणाम स्वरूप हम दिखा नहीं पाते स्वच्छता पूर्वक जो दिखाना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या मैसेज देंगे लोगों को कि लोग सहयोग करें? नागरिका को भी हमारा आह्वान है, जहाँ जब जब एक वसई विरार महानगर पालिका विविध कार्यक्रमों का आयोजन करेगी या करती रहेगी तो उसमें उनका सहभाग अवश्य उन्होंने देना चाहिए। स्वच्छता करके हमारा पर्यावरण सुदृढ़, उसका संवर्धन करने के लिए उन्होंने भी महापालिका को सहकार्य करना चाहिए, यही मैं आह्वान करूँ। मेरे साथ उपस्थित हैं इस समय शहर के पूर्व महापौर और बहुजन विकास अघाड़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रवीण शेट्टी और तमाम के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस मुहिम के तहत आखिर कितना वो मानते हैं कि इससे साकार हो पाएगा संकल्प जो स्वच्छता स्वच्छ भारत अभियान है। प्रवीण जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभी आयुक्त सर ने भी कहा कि इस मुहिम को नागरिकों का सहयोग होना चाहिए तब हम सफल कर पाएंगे, तो इस पर पूरा आपका क्या कहना है इस पूरे मुहिम? नागरिकों का 100% इसमें सहभाग होना चाहिए, क्योंकि एक सरकार या एक महानगर पालिका कौन सी भी मुहिम ये पब्लिक के सपोर्ट के सिवा नहीं कर सकती है। इसलिए आज जो अवेयरनेस करना चाहिए, आज बच्चे लोग यहाँ ये बीच पे हमेशा साफ सफाई की मुहिम ली जाती है, लेकिन वैसे ही वापस कचरा होता है, तो इसके बारे में अवेयरनेस, जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आती है तो ये मुहिम सफल नहीं होता। जब तक अवेयरनेस के लिए हम लोग ये मुहिम सफल करने के लिए हमेशा ये मुहिम हम लोग चलाते रहे। आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कहेंगे? हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, क्या कहेंगे? आज ये केंद्र सरकार का एक जो मुहिम है उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हम लोग ने ले लिया है, और इसके अंदर हजारों जो नागरिक है, स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी
और युवा है, उन्होंने सब ने इसमें भाग लिया है। तो आप मानते हैं सफल हुआ ये कार्यक्रम? सफल हुआ, 100% सफल हुआ, और आगे भी ये कार्यक्रम होता ही रहेगा। तो इस तरह से प्रवीण शेट्टी ने भी साफ तौर पे कहा कि जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक इस तरह के संकल्प और पूर्ण नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं जनता को सहयोग करना चाहिए और इस तरह की मुहिम को बरकरार रखा जाए, इसके लिए आगे आके काम करना चाहिए।